अपना स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर H24 पे। लास्ट में टॉपिक है रीजन व्हाई सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द रिवर वैली, मतलब कि फ्लोरिश का मीनिंग हम कल कर चुके हैं, मतलब निखरना। मीनिंग है कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो रिवर्स की या वैलीज के किनारों पर ही क्यों निखर के आई। सीधी सीधी बात है, हम लोगों ने बेटा पहले ये चीज रीड की हुई है कि जो पहले के टाइम पे घर बसे थे, ठीक है, जो अर्ली मैन था उन्होंने अपने घर बसाने शुरू किए थे, तो वो नदियों के किनारे घाटियों के ऊपर ऐसे बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको सफिशियंट, उनको इनफ पानी मिल जाता था टू सर्वाइव, है ना, फॉर सर्वाइव। उन लोगों को पानी मिल जाता था, फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर उनको अच्छे से मिल जाता था, जिससे वो अपना खाना भी अच्छे से बना पाते थे और पानी भी टाइम से पी पाते थे अच्छे से, और उनको जो भी यूज करना होता था मिल जाता था। ठीक है, एक रीजन ये है ना, बाकी के हम रीजन पढ़ते हैं। अब बात ये है कि जहां पर सोसाइटी बनी, जहां पर घर बसे, वहीं पे तो सभ्यता आई। लोगों की वजह से तो सभ्यता आई है ना, ये सभ्यता की वजह से लोग आए नहीं। पहले जब अर्ली मैन का बर्थ हुआ था, मतलब अर्ली मैन ने लाइफ स्टार्ट करी, जिस टाइम कोई सभ्यता नहीं थी, उसके बाद आने लगी थी, है ना। देखिए, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डेवलप अलोंग रिवर बैंक, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो रिवर के बैंक, मतलब कि किनारों पर ही क्यों निखर के आई। फर्स्ट पॉइंट है, द रिवर वाटर कुड बी यूज टू ग्रो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, मतलब कि जो रिवर का पानी था वो किस किस चीज के लिए यूज होता था, फ्रूट्स को उगाने में, वेजिटेबल्स को उगाने में एंड सीरियल क्रॉप्स। बेटा सीरियल का मीनिंग ही अनाज होता है, ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब कि हमने ग्रेन से एक और वर्ड सीखा, सीरियल, जिसको अनाज भी बोलते हैं, अनाज बोलते हैं। मैन ऑल्सो एट फिश एंड मैनी काइंड्स ऑफ वाटर बर्ड्स, मतलब कि किनारे पानी के पास रहने की वजह से उसको अच्छे से फिशेज मिल जाती थी, और उसी के साथ साथ उसको वाटर बर्ड, मतलब कि पानी में और अन्य जो भी जानवर पक्षी रहा करते थे उनको भी वो खा लिया करते थे। सेकेंड पॉइंट इज अ गुड पेस्टर लैंड। पेस्टर लैंड का मतलब होता है बेटा चारागाह, मतलब कि जहां पर पशुओं को चराया जाता है ना, वो वाली लैंड, मतलब कि जमीन। तो पेस्टर का मीनिंग है चारागाह, ठीक है। नियर बाय वॉज यूज फॉर एनिमल टू ग्रेज ऑन। बेटा ग्रेज ऑन का मतलब है चराने, ग्रेज का मतलब होता है चराना, ठीक है, GRAZE, ग्रेज का मतलब होता है चराना। अब जहां पर पानी है उसी के पास तो घास होगी ना, तो वहीं पर पशुओं को चराया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज द वैली हैड अ वार्म एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। वार्म मतलब गर्म, ठीक है, एंड अ प्लीजेंट मतलब वार्म, मतलब थोड़ा जो हमें अच्छे वाला वार्म गर्म, है ना। एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, प्लीजेंट का मीनिंग होता है बेटा सुहावना, ठीक है। तो जो वैलीज का जो क्लाइमेट होता था वो बहुत ज्यादा सुहावना, मतलब प्लीजेंट होता था। द कोल्ड वॉज नेवर वेरी स्वीयर इन द वैलीज। स्वीयर का मतलब होता है बेटा गंभीर, मतलब कि ज्यादा, हद से ज्यादा ठंडी वाला इलाका वहां पे नहीं होता था। फोर्थ पॉइंट इज द रिवर प्रोवाइड रेडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कम्युनिकेशन मतलब कि एक दूसरे से वार्तालाप करना वाला, ठीक है, बात, हम एक दूसरे का सामान भेज रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग वो हो जाता है। तो वैलीज के थ्रू क्या होता था, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, मिल सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे, ठीक है, वार्तालाप कर सकते थे, ये सामानों को ले जाया जा सकता था। देयर वर नो लॉन्ग और गुड रोड टू कनेक्ट द एंशिएंट टाउन। देयर वर का मतलब आ गया वो टाइम, कौन सा, प्राचीन युग, ठीक है। नो लॉन्ग और गुड रोड, मतलब कि वहां पर ना ही तो ज्यादा लंबी सड़कें थी और ना ही ज्यादा गुड, मतलब अच्छी सड़कें थी। टू कनेक्ट द एंशिएंट टाउन, मतलब कि प्राचीन नगरों को जोड़ने की वाली जो सड़कें होती है ना। अब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप लोग अपनी नानी के घर जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं, कैसे जाते हैं, रोड के थ्रू ही जाते हैं ना। तो क्या होता था, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे वो जोड़ रहे थे लोगों को, है ना। रोड क्या करती है, जोड़ती है लोगों को, मिलाती है आपस में, है ना, कम्युनिकेट कराती है। लेकिन उस टाइम क्या होता था बेटा,
कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो एंशिएंट टाउन्स थे, नगर थे, उनको जोड़ने के लिए गुड रोड नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो लोग वाटर के थ्रू ही जाया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर। इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन कल्चर, मतलब कि हड़प्पा की संस्कृति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वी शैल नाउ हैव अ ग्लिम्स ऑफ द सिविलाइजेशन विच एग्जिस्टेड इन इंडिया सम 5000 ईयर एगो। ग्लिम्स, GLIMPS, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ठीक है, मतलब कि अगर हम सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता को देखें तो इंडिया में जो सभ्यता की झलक है, ग्लिम्स है, वो कब आई? 5000 ईयर है वो, मतलब 5000 साल पहले। इन 1921 एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का मीनिंग, आर्कियोलॉजिस्ट को अंडरलाइन करो और ऊपर लिखो पुरातत्ववाद, पुरातत्वता पे छोटे ऊंची मात्रा रे आ पुरात आधात वैतया, पुरातत्वता मतलब कि बेटा ये आर्कियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो कि जो पुरानी पुरानी चीजें नहीं होती, बहुत ज्यादा पुरानी चीजें होती है, वो जो जमीनों से खोद खोद कर निकालते हैं, फिर उनके बारे में स्टडी करते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है, ठीक है, कि उनके बारे में पता चलता है। जैसे हम न्यूज पेपर में पढ़ते हैं कि वहां पर 3000 साल पुराना एक बैंगल मिला, या फिर वहां पर 3000 साल पुरानी एक मम्मी मिली मिस्र में, है, हम ये सारी चीजें सुनते हैं, तो वो कौन बताता है? वो बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और ये बेटा एक पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, उसके थ्रू ही ये लोग बन पाते हैं, ठीक है। तो इन 1921 एंड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कि 1921 में एक इंडिया का आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्ववादी था, उसका उनका नाम था दयाराम सहानी, ठीक है। डिस्कवर्ड द रेंज ऑफ सिटी ऑफ हड़प्पा, मतलब कि इस लाइन को ही आप लोग अंडरलाइन करेंगे, मतलब जो दयाराम सहानी थे उन्होंने 1921 में इंडिया में डिस्कवर किया, मतलब खोज की किसकी? हड़प्पा सिविलाइजेशन की, मतलब कि हड़प्पा की, मतलब इंडिया में जो अवशेष थे, जो रिमेन्स थे, वो 1921 में डिस्कवर किए गए, और किसके थ्रू डिस्कवर किए गए? मिस्टर दयाराम सहानी के थ्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हु डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा इन इंडिया? तो आएगा मिस्टर दयाराम सहानी। इन विच ईयर? तो आएगा 1921, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा में, ठीक है। It was situated on the bank of river Ravi in West Punjab, मतलब कि जो उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने अवशेष ढूंढे थे दयाराम सहानी ने, वो कहाँ मिले थे उनको? नदियों के किनारे मिले। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे मिले, और वो थी पंजाब स्टेट में, ठीक है, वेस्ट पंजाब में, मतलब कि वेस्ट पंजाब के टाइम एरिया में उनको मिली थी। In 1922, the ruins of Mohenjo-daro was discovered in the Larkana district of Sindh by R.D. Banerjee. मतलब कि एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे R.D. Banerjee, उन्होंने 1922 में, ठीक है, 1922 में Mohenjo-daro के जो रिमेन्स थे, अवशेष थे, वो ढूंढे कहाँ पर? लारका डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि लारका एक एरिया था, वो एरिया था सिंध प्रदेश, ठीक है। एज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो बोथ बिलोंग टू द इंडस वैली, द सिविलाइजेशन कम टू बी कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि बेटा जो हड़प्पा संस्कृति थी और मोहनजोदारो संस्कृति थी, वो दोनों संस्कृति कहां से बिलोंग करती थी, किससे संबंध रखती थी? वो रखती थी बेटा इंडस वैली से, और इंडस वैली हमारी क्या है? सिंधु घाटी, ठीक है, मतलब कि हड़प्पा संस्कृति भी और मोहनजोदारो दोनों किससे रिलेटेड थी? वो रिलेटेड थी इंडस वैली, मतलब कि सिंधु घाटी से, ठीक है।
इसीलिए उस सिविलाइजेशन को जो हरप्पा संस्कृति थी और जो मोहनजोदाड़ो थी, इसीलिए उस सिविलाइजेशन मतलब कि उस सभ्यता को क्या बोला जाने लगा, उस सभ्यता को बोला जाना लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। समझ आ गई? सिंधु घाटी सभ्यता दो कल्चर से बनी है, कौन कौन सी? मोहनजोदाड़ो एंड हरप्पा, ठीक है? इन दोनों को जोड़ दिया गया और इससे बन गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। द सिटी ऑफ हरप्पा वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, ठीक है? जो हरप्पा सिटी थी वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पा सिविलाइजेशन। हालांकि सबसे पहले मोहनजोदारो से भी पहले किसको सर्च किया गया था? किया गया था हरप्पा को। इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति है, सभ्यता है उसको, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता है बेटा, उसको बोला जाता है हड़प्पा संस्कृति, ठीक है? सिटी ऑफ हरप्पा एंड अदर सिटीज फ्लोरिश्ड सम 4700 ईयर्स एगो, मतलब कि जो हरप्पा संस्कृति है वो और बहुत सारी संस्कृतियां फ्लोरिश्ड थी हुई, मतलब निखरी कम से कम लगभग कब? 4700 ईयर्स एगो, मतलब कि 4700 साल पहले उभरी थी। नेक्स्ट इज द स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या होता है? आप ब्रेड पे बटर स्प्रेड करते हैं ना, मतलब फैलाते हैं, तो यहाँ पर मीनिंग आ रहा है फैलाने से, मतलब जो सिविलाइजेशन है उसका फैलाना, सभ्यता फैली कैसे, सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है? विस्तार या प्रसार कैसे हुआ? देखिए, सिंस 1921 मोर देन 250 सीट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। सीट्स, यहाँ पर आपके बेंच की सीट की बात नहीं है बेटा, यहाँ पर है जगहों की बात, मतलब कि जगहों की खोज हुई थलों की, मतलब कि 1921 तक लगभग 250 जगह खोजी जा चुकी थी। देयर सिविलाइजेशन रिसेम्बल्स दैट ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, मतलब कि बेटा जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है वो जो ये 250 सीट्स मिली है ना, 250 जगह मिले, उनकी जितनी भी सभ्यता, उनकी जितनी भी कल्चर था, या फिर जो उनका रहन सहन था, जो उनकी सिविलाइजेशन थी, वो हड़प्पा और मोहनजोदारो से, रिसेम्बल्स का मीनिंग है मिलती जुलती। रिसेम्बल को एक्सक्यूज मी अंडरलाइन करो ऊपर मैम, लिखो, तो तुम रुको बेटा, अंडरलाइन करो ऊपर लिखो मिलती जुलती, मैम ठीक है? हाँ जी कुसुम, बोलो फटाफट, बोलो बेटा। SIDES हाँ जी बोलो। मैम ये साइट्स है हाँ जी SIDES। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज सच रिमेन्स वर डिस्कवर्ड एट, मतलब कि कुछ और रिमेन्स जो मैं आप लोगों को बताती आ रही हूँ, मीनिंग है अवशेष का, वर डिस्कवर्ड एट मतलब कि खोज हुए कहाँ कहाँ? लोथल इन गुजरात, चांचू दारो इन सिंध, काली बंगान इन राजस्थान, रोपड़ इन पंजाब, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, बनवाली इन हरियाणा, मतलब कि ये और भी ज्यादा अलग सिविलाइजेशंस थी, मतलब कि सभ्यता थी जो और अलग स्टेट्स में मिली थी। द हरप्पन कल्चर द स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑफ सिंध, मतलब कि बेटा ये जो हरप्पा संस्कृति थी, हरप्पा सिविलाइजेशन थी, द स्प्रेड मतलब फैली हुई थी कहाँ पर? ओवर लार्ज एरिया ऑफ सिंध, मतलब कि पूरे बहुत बड़े एरिया में, ओवर लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़े एरिया पर फैली हुई थी, किसके? सिंध के, सिंध बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब कि जो ये सिविलाइजेशन थी, कौन सी? हड़प्पा सिविलाइजेशन थी बेटा, ये बहुत जगह फैली हुई थी, और वो कहाँ कहाँ फैली हुई थी? सिंध में फैली हुई थी, बलूचिस्तान में फैली हुई थी, पंजाब में फैली हुई थी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और जो उसका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था, मतलब कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का पार्ट, वहां फैली हुई थी।
सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर्स, मतलब कि जो ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन बेटा, ये लगभग कब तक रही थी? 1000 ईयर्स तक रही थी। तो आप लोगों को बेटा यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। मैम मम्मी आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी बेटा। अर्कियोलॉजिस्ट मतलब मैम आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है बेटा पुरातत्ववाद, पुरातत्ववादी। मैम पुरातत्ववादी मतलब जो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है, ठीक है, ये चीज कितनी पुरानी है। अगर आप मतलब आपका दांत टूट जाता है या आपकी कोई एक चीज है वो आप रख देते हो, नेल भी रख देते हो ना अपना काट के, बाल भी रख देते हो, और अगर उसको 1000 ईयर 2000 ईयर बाद भी अगर कोई सर्च करता है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो अगर उनके ऊपर स्टडी करे तो वो लोग बता सकते हैं कि ये बाल कितना साल पुराना है, ठीक है, ये स्टडी होती है, ठीक है बेटा। तो आज का आप लोगों का होमवर्क है, कल आप लोगों को आप लोगों की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, और आप लोगों को जितना भी मतलब कल आपकी लाइव क्लास नहीं होगी तो आप लोगों को कल तक जितना भी वीडियो में कवर हुआ मिलेगा आपका सिलेबस, वहां तक का परसों मैं आप लोगों से इन बिटवीन जो आपके हार्ड वर्ड्स हैं वो पूछूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही था, अपना हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करें और कल तक कल की वीडियो का वेट करें, ओके, थैंक यू, लीव कर सकते हैं बेटा। हाँ जी टाउन था एक, हाँ जी हाँ जी क्लास तो नहीं आएगी बेटा, आपको वीडियो मिल जाएगी, काम है टीचर को कुछ। मैं हमारी मम्मा कह रही है कि मैं उसे पूछ कल क्लास तो नहीं आएगी, क्या पता तू ऐसी बोल रही होगी। नहीं बेटा मम्मा को बोलो कि मम्मा वीडियोस आएंगी कल, ठीक है, ओके बेटा, चलिए ठीक है, लीव हो जाइए फटाफट, बाय मैम। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बाय।